वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास क्वेश्चन है केथ मिसिंग पॉजिटिव नंबर एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे होगा पॉजिटिव इंटीजर का जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन होगा और साथ में इन्होंने हमको एक के भी दे रखा होगा उस केस से हमको क्या करना है हमको ये बताना है केत पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस एरे ठीक है मीन्स कि हमारे पास जो एरे है वो नंबर तो हमारे पास है अगर उन नंबर के अलावा हमारे पास कोई भी मिसिंग नंबर होते हैं तो उन मिसिंग नंबर्स में से जो केद पोजिशन पर जो नंबर आएगा उसको अपने को रिटर्न करना है ठीक है तो चलो अपन इसके एग्जाम्पल को देख के इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन तो लाइक like हमारे पास यहाँ पे क्या है एक एरे गिवन है ठीक है इसके अंदर आप देखो कि मेरे पास क्या क्या है टू थ्री फोर सेवन इलेवन है तो मेरे पास जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे वन से ठीक है और इन्होंने यहाँ पे कंस्टेंट में हमको बता रखा है कि हमारे जो एरे की लेंथ हो सकती है थाउजेंड जो एरे आई की जो वैल्यू हो सकती है वन से लेकर थाउजेंड तक हो सकती है ठीक है तो हमारे जो मिसिंग एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं वन से 1000 तक हमारे पास जो एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर एरे के अंदर ठीक है तो मींस अभी हमारे पास क्या है हमारे पास वन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व और ये हमारा थर्टीन कुछ यहाँ पे आया ठीक है ये वन थाउजेंड थोड़ा नीचे थर्टीन ठीक है अब इसके बाद देखो हमारे पास मिसिंग कौन कौन सा है एक तो फर्स्ट हमारा वन है अपन इसको सर्कल कर देते हैं ठीक है ये वन उसके अलावा हमारे पास टू थ्री फोर है फाइव हमारे पास नहीं है ठीक है सिक्स हमारे पास नहीं है सेवन है एट हमारे पास नहीं है नाइन हमारे पास नहीं है टेन भी हमारे पास नहीं है ठीक है एलेवन है ट्वेल्व भी हमारे पास नहीं है और थर्टीन भी हमारे पास नहीं है और इसके बाद के भी जो एलिमेंट्स होंगे अप टू वन थाउजेंड तक के एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है क्वेश्चन ने हमको बोला क्या हमको के जो अगर फिफ्थ जो मिसिंग नंबर है उसको रिटर्न करना है ठीक है तो स्टार्ट अपन वन से करते हैं पहला तो ये हो गया वन दूसरा हो गया हमारा फाइव तीसरा हमारा हो गया सिक्स चौथा हमारा हो गया एट पांचवा हमारा हो जाएगा नाइन तो हमको पांचवा बताना है तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे नाइन देख सकते हो नाइन हमारा आंसर है अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव तो सिक्स सेवन एट और अप टू वन थाउजेंड तक जाएगा ठीक है अब इसमें देखो वन हमारे पास है टू हमारे पास है थ्री हमारे पास है फोर हमारे पास है ठीक है फाइव हमारे पास नहीं है सिक्स भी हमारे पास नहीं है सेवन भी हमारे पास नहीं है एट भी नहीं है और अप टू वन थाउजेंड तक हमारे पास नहीं है तो इसमें हमको कौन से सेकेंड पोजिशन के मिसिंग एलिमेंट्स को बताना है तो फर्स्ट हमारा फाइव है सेकेंड हमारा सिक्स है तो हम सिक्स को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ठीक है तो ये कुछ गिवन एग्जाम्पल थे जिनको अपन ने काफ़ी अच्छे से देखा है आई होप कि आपको क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों के दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो बात करते अपन इसकी सोल्यूशन अप्रोच की तो हमारे पास एक एरे लेते हैं अपन वन टू थ्री एंड फोर करके ठीक है ये हमारा एरे है इसके अंदर अपने पास जो था के इजिकल टू टू था ठीक है अब हम देखते हैं कि लाइक like, अगर मेरे पास जो एरे है अपन सिर्फ के की टर्म में बात करते हैं कि इन केस जो मेरे पास जो एरे है ठीक है इनिशियली ये इम एरे है तो इस केस में जो मेरा मिसिंग एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा जो मिसिंग है जो मिसिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ऐसा अप टू करके जाता जाएगा एट पे ख़त्म नहीं हुआ है आगे जा रहा है ठीक है तो इसके अंदर जो मेरे सेकंड पोजीशन पे आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है हो गया आंसर हाँ हो गया आंसर अब हम बात करते हैं कि लाइक अगर मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स अगर मेरे पास पूरा का पूरा एरे बनता है तो मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो किस ऑर्डर में आएंगे लाइक अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं तो मेरा हमेशा जो अगर मेरा जो अगर कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं है तो मेरा ए वन किस पे आएगा हमेशा ज़ीरो पोजिशन पर आएगा टू हमेशा वन पे आएगा थ्री हमेशा टू पे आएगा फोर हमेशा थ्री पे आएगा ऐसे अप टू चलता जाएगा ठीक है तो लाइक अपना ये एग्जाम्पल देखो तो इसके अंदर हमारे पास एरे इमटी था अब ठीक है अब इस एरे के अंदर एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है वन सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन करके ठीक है तो पहले हमारे पास जब टू आ रहा था टू जब हमारा आंसर टू हो रहा था तो वो उसका मतलब ये था कि इस टू के पहले जो भी नंबर है वो नंबर नहीं है मींस इसके पहले के वन एलिमेंट मिसिंग है तो हमारा टू था ठीक है बट हमारे पास क्या हो गया एक एलिमेंट आ गया है तो हमारा जो होगा के लाइक like हमारा के टू पे था अब हमारा के कितनी पोजीशन को बताएगा हमारा के बताएगा कि नहीं अब जो आंसर होगा वो होगा थ्री पे ठीक है के इक्वल टू थ्री हो जाएगा ठीक है अब देखो अगेन कौन सा एलिमेंट आया हमारे पास टू आया ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं हो गए हैं के के जब के थ्री पे था तो ये कह रहा था कि हमारे जो आगे के जो फर्स्ट मिसिंग तो ये हो जाता फिर सेकेंड मिसिंग ये हो जाता इसका मतलब था कि दो मतलब मेरे काउंट करके दो एलिमेंट मिसिंग है बट अब क्या हो गया एक एलिमेंट और आ गया तो के हमारा किस पे चला जाएगा आगे वाले नंबर पे जम्प कर जाएगा मीन्स कि मेरा अब जो नेक्स्ट के होगा वो कितने पे हो जाएगा फोर पे हो गया फोर पे अब मेरे पास कौन सा आ जाता है थ्री वाला एलिमेंट आता है थ्री आने के बाद क्या हो गए अब फोर जब हमारा फोर था तो इसमें क्या होगा तीन एलिमेंट्स आ गए तो इट मीन्स कि के के पास सिर्फ Uh, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा मतलब पहले सेकंड पे आया था अब किस पे आ गया फर्स्ट पे आ गया तो इट मीन्स हमारा के क्या होगा एक नंबर और आगे जंप करेगा मीन्स अब फाइव हमारा के बन गया है ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है फोर आता है फोर आया तो वापस ये फर्स्ट बन गया फिर इसको हम आगे भेज देंगे सिक्स ठीक है तो हमारा जो गिवन एरा था वो ये था ठीक है हमारा के कौन से पे पहुंच गया सिक्स पे पहुंच गया इट मीन्स क्या हो जाएगा हम जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सिक्स हमारा आंसर हो जाएगा मीन्स हमने करा क्या लाइक like, जब भी हमारे पास एक नया एलिमेंट आया तो हमने के की पोजिशंस को क्या कर दिया प्लस प्लस कर दिया ठीक है ये तो रही बात कि हमारे पास ये सारे नंबर एक सीक्वेंस में आ रहे थे अब इन केस अपन बात करते कि मेरे पास जो नंबर है अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है लाइक मेरे पास जो एरे है ट्वेंटी फिफ्टीन एंड ट्वेंटी करके ऐसा कुछ एरे है ठीक है अब इसके अंदर मुझे बताना है के कितना होगा टू करके होगा ठीक है के हमेशा हम, हम हमारा अभी भी टू है तो हमारा एरे स्टार्ट कहाँ से हुआ था जीरो वन टू थ्री सॉरी जीरो नहीं आता इसमें वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे अप टू जा रहा था ठीक है हमारे पास जो के था वो किस पोजिशन पर था सेकेंड पोजिशन पर था ठीक है मिसिंग एलिमेंट में अगर हमने इमटी एरे माना था जो गीवन हमारे पास के था वही हमारा हो रहा था अब इसमें देखो हमारे पास क्या आया टेन आया टेन देखो टेन हमारा क्या हो रहा है के से बड़ा हो रहा है मतलब के हमारा छोटा रह जा रहा है टेन से तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा टू ही हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर ठीक है आंसर हमारा टू रहेगा किस केस में जिस केस में हमारा के छोटा पड़ जाएगा जो गिवन नंबर से तो लाइक अगर अपन बात करते कि हो क्या रहा है इसके अंदर तो मीन्स हमारे पास जब भी हमारा के क्या होगा के से अगर एलिमेंट छोटा है मीन्स के इज़ ग्रेटर देन जो भी हमारे पास एरे का एलिमेंट है उस केस में हम क्या कर देंगे के को प्लस प्लस कर देंगे ठीक है और इन केस अगर हमारा के छोटा पड़ जाता है किससे एरे एलिमेंट आई से तो उस केस में हम बता देंगे कि रिटर्न कर दे भाई के को के हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अपन इसको कर लेते कोड में तो फर्स्ट अपन यहाँ पर एक फोर लुप लगा लेते हैं क्योंकि हमको एलिमेंट्स के हिसाब से चेक करना है तो फोर आई एन टी ए कहाँ से आएगा ये हमारे एरे में से आएगा हाँ जी आ गया एरे में से अब हम चेक करेंगे कि ईफ जो मेरा ए है अगर ये लेस देन के से है ठीक है लेस देन के होगा तो हम क्या कर देंगे के को आगे बढ़ा देंगे ठीक है बढ़ा दिया और एल्स कर देंगे मीन्स अगर ये के से छोटा नहीं है उस केस में हम यहाँ से लूप को ब्रेक करवा देंगे ठीक है ब्रेक करवा दिया और फाइनली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारे के को ठीक है चलो कर लेते हैं इसको रन ठीक है हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन हो गए तो कर देते हैं अपन इसको सबमिट ठीक है हमारा एक मिस्टेक में आ गया ओके के इक्वल टू वन तो एक सेकेंड अपन इनको यहाँ पे एक बार इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा ठीक है अगर के के बराबर होता है नंबर तो ठीक है देन अगेन रन करके देखते हैं ठीक है हमारे दोनों केस चले अगेन सबमिट करते हैं ठीक है हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है सिक्सटी डे का अगर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर इस कोड में बात करते हैं तो हमने इस कोड में कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस तो का तो यूज़ करा नहीं तो मींस जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो क्या हो जाएगी हमारी ओ वन ठीक है स्पेस तो ये हो गया अगर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो हमारा ये यह यहाँ से ये फोर लूप लगा कितने से कितने टाइम तक चलेगा ये एन टाइम चलेगा एन कितने जितनी एरे की साइज़ होगी मीन्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी वो हो जाएगी ओ एन करके ठीक है तो ये तो रहा हमारा पहला सॉल्यूशन अगर हम इसकी बात करते क्या हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या इस सॉल्यूशन को तो इसका आंसर है हाँ जी हम इसको कर सकते हैं थोड़ा और ऑप्टिमाइज तो चलिए अपन करते हैं उस पर बात तो अपन इसके अंदर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी मिसिंग है लाइक like हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और अप टू तो कुछ चला है ठीक है अगर इनमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है तो मेरा वन हमेशा कौन से इंडेक्स पे आएगा जीरो पे आएगा वन टू कौन से 1, 3, 2 पे आएगा वन थ्री टू पे फोर हमेशा थ्री पे एंड फाइव हमेशा फोर पे एंड अप टू चलता जाएगा अगर एक्स एलिमेंट है तो वो एक्स माइनस इंडेक्स पे आएगा ठीक है तो इनकेस अगर आप देखो कि मेरे पास इसमें कोई मिसिंग नहीं कर रहा है तो मैं लिखता हूँ की एरे के अंदर एक्स माइनस वन जो कि उसका इंडेक्स है उसमें से अगर मैं वन को माइनस कर दूँ एंड माइनस कर दूँ जिस इंडेक्स पे वो है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी मतलब क्या इसके अंदर कोई भी मिसिंग एलिमेंट नहीं। अगर अपन इसको सॉल्व करते क्या है एक्स में तो यहां पे एक्स है माइनस क्या वन फिर इसको ब्रैकेट को खोला तो यहाँ एक्स हो जाएगा यहां प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो देखो तो जीरो होगा ये ठीक है अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं एक एलिमेंट को मिस किया तो मेरा जो ये एक कौन से, से एल पोजिशन पर आएगा एक्स माइनस टू पर आएगा तो मीन्स हम अगेन करवाते हैं इसको एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस का टू यहां पर आंसर आएगा वन मतलब कि मेरे पास एक एलिमेंट मिस कर रहा है अगर यहां पर अगर सिक्स मिस कर रहा होगा तो यहां पर थ्री बनेगा इसका आंसर होगा टू ठीक है तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि लाइक हम वन से अगर एक्स को अगर चेक करते हैं कि अगर उसका आंसर अगर टू होता है तो हमारे को पता चल गया कि इसके अंदर दो एलिमेंट मिस कर रहे हैं ठीक है थीके? और हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन होगा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा के करके ठीक है तो आप इस k को देखो यहाँ पे कि हमको क्या करना है कि अगर हमारे इस एलिमेंट के अंदर k की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री है और हमको ये पता चल गया कि इस एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट मिस कर रहे हैं हमारे पास सिर्फ इसके अंदर दो एलिमेंट मिस कर रहे हैं तो मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा वो इस एक्स के परे होगा मतलब इस एक्स वाले लूप के बाहर की तरफ जा रहा होगा ठीक है तो उस चीज को हमने को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो लाइक वो अपन इसको कैसे कर सकते हैं हम इस पोजिशन को कैसे फाइंड आउट करें तो हम इसके लिए यूज़ कर लेंगे बाइनरी सर्च का ठीक है कैसे करेंगे लाइक अपन उस पर बात करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन क्लियर करते हैं अपन इसमें देखो हमारे बाइनरी सर्च में वर्क क्या होता है लाइक हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है और हम इसमें तब तक चेक करते हैं जब तक हमारा लेफ़्ट राइट से छोटा होता है और इसमें अपन फाइंड करते हैं मीड वाले पोर्शन को ठीक तो है तो लाइक अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके कुछ एग्ज़ाम्पल है अप टू एक्स ठीक है तो हमने इसके अंदर देखा था कि लाइक इसमें दो एलिमेंट मिस थे तो हमको क्या मिल जाता है आखिर में टू आंसर मिलता है ठीक है हमको ये पता चल गया कि इतने कुछ पोर्शन के अंदर दो एलिमेंट मिस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अब हम इन दोनों पोर्शन के अंदर मिस कर रहे हैं एलिमेंट्स तो हम क्या करते हैं इसके अंदर लगाते हैं बाइनरी सर्च ठीक है हम इसके बीच वाले एलिमेंट्स निकालते हैं, तो अपन बोलते हो फोर पे आ रहा है फोर्थ का इंडेक्स कितना है थ्री तो हमारा जो ए थ्री वाले इंडेक्स पे से माइनस करते वन को माइनस कर देते अपन किसको जो इंडेक्स है उसको अगर ये लेस देन के से अगर छोटा है मतलब कि अगर ये पॉइंटर यहाँ पे आता है अगर इसकी वैल्यू अगर इससे मतलब अगर ये केस से छोटी हो जाती है इसकी वैल्यू तो अपन को पता चल जाएगा कि जो हमको हम जिस एलिमेंट्स को ढूंढ रहे हैं उस एलिमेंट्स हमारा इस तरफ नहीं है वो एलिमेंट वो एलिमेंट हमारा कुछ इस तरफ है तो हम क्या कर देंगे जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है उसको अपन क्या बना देंगे मीट प्लस वन मतलब जो हमारा टू था टू के अंदर वन को ऐड कर देंगे तो वो इस एरे के अंदर सर्च करेगा और इन केस अगर इस वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम जो ये राइट right पॉइंटर है इस राइट right पॉइंटर को उठा के इस मीट पे डाल देंगे ठीक है तो लाइक अपने पास एक एग्जाम्पल लो वन टू यहां पे अपन स्कोर लग देते फोर यहाँ पे अपन इसको बना देते हैं सेवन करके ठीक है हमारे पास के कितना है टू करके के चल रहा है तो इसमें देखो हमारे पास लास्ट इंडेक्स क्या हो रहा है थ्री हो रहा है तो हमारे पास जो मीट निकल के आएगा वो क्या होगा थ्री प्लस जीरो डिवाइड बाई टू मीन्स वन तो हम यहाँ टू से चेक करेंगे क्या ये वैल्यू जो हम के इजिकल टू टू ढूंढ रहे हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मीन्स एक के अंदर जो हम अगर एम को डालते हैं डाला माइनस किया वन प्लस करवाया हमने एम को क्या ये हमारा के से लेस देन है जी लेस देन है तो उसके हम हम क्या कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर को को मीट मीट की जो वैल्यू ऐड करके वो बना देंगे लेफ्ट को मीट कितना था था हमारे पास था, तो अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर क्या हो गया फोर पे चला गया और ये सेवन पे ठीक है फोर एंड सेवन पे अब इसके अंदर आप देखो कि मेरे पास फोर पे है ठीक है इसका इंडेक्स कितना है थ्री अब मैं देखता हूं कि ए की वैल्यू जब थ्री पे होती है हमारे पास लाइक like फोर हाँ मीट हमारे पास आएगा, तो हाँ फोर प्लस थ्री हाँ मीट थ्री आएगा हमारे पास इसमें से माइनस किया वन इसमें से माइनस करवाया थ्री और इसको चेक करते क्या इसकी वैल्यू कितनी है फोर माइनस वन सॉरी जीरो वन टू सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे टू इंडेक्स आएगा कौन सा इंडेक्स आएगा टू आएगा यहाँ पे टू आएगा तो फोर माइनस uh, तो हो जाएगा थ्री ये वन हमारा के कितना है टू मतलब कि हमको जिस आंसर को हम ढूंढ रहे हैं वो आंसर अभी भी इसके अंदर नहीं है वो आंसर कहीं इसके आगे की तरफ़ है ठीक है तो ये तो हो गया अब हमारा क्या होगा एल को हम अगेन इंक्रीज करें क्या जो हमारे पास मीट आया था मीट के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस वन को मीट कितना हो जाएगा हमारे पास फोर फोर सॉरी मीट कितना आया था हमारे इस केस में आया था टू टू के अंदर अपन ने थ्री को ऐड किया तो हमारे पास जो हुआ हमारा लेफ्ट कितना हो गया लेफ्ट हो गया हमारा थ्री ठीक है अब इसके अंदर चेक करो कि हमारा जब लेफ्ट थ्री हो गया मीन्स लेफ्ट एंड राइट क्या होगा इक्वल इक्वल होगा तो जो इस कंडीशन जो हमने लिखी थी इनिशियली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट अगर जिस पोर्शन पे पहुंच गया मीन्स या थ्री पे पहुंच गया इस थ्री के अंदर अगर अपन थ्री के अंदर के को एड कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा लाइक हमारे पास मिसिंग एलिमेंट क्या थे इसके अंदर थ्री था फाइव तो था ही था तो फर्स्ट तो ये हो गया सेकंड ये हो गया मीन्स फाइव हमारा आंसर हो गया तो लाइक like अगर अपन इसकी बात करते अपन कर, करेंगे क्या इसके अंदर तो फर्स्ट हम इसके अंदर दो पॉइंटर बनाएंगे एल जो इनिशियली जीरो होगा जो राइट right होगा वो कितना होगा जो हमारे एरे की लेंथ होगी वो और तीसरा वेरिएबल होगा हमारा मीट और हम एक लूप लगाएंगे इसके अंदर वो कब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट छोटा हो ठीक है तब तक वो चलेगा इसके अंदर अपन कंडीशन लगाएंगे इफ जो पहले फाइंड कर लेंगे मीट को वो एल प्लस आर डिवाइड बाई टू ठीक है अब इसके अंदर अपन कंडीशन लगाएंगे जो भी हमारा एरे है उसके अंदर जो मीट पे वैल्यू है उसमें से माइनस वन माइनस एम करवाया अगर ये लेस देन के है तो उस केस में हम हमारे लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे एम प्लस वन से अदरवाइज अगर एल्स कंडीशन होती है तो उसमें हम क्या कर देंगे राइट right पॉइंटर को हम एम बना देंगे ठीक है ये कंडीशन जब तक रहेगी तब तक चलेगा और रिटर्न में जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर होगा वो हमारे उस इंडेक्स पे पहुंच जाएगा जिस इंडेक्स में हम प्लस टू मतलब जो गिवन के है उसको ऐड करेंगे तो हमको एलिमेंट मिल जाएगा तो रिटर्न करवा देंगे हम लेफ्ट प्लस के को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो चलिए अपन कर देते हैं इसको कोड में कन्वर्ट तो अपन इस पुराने कोड को रिमूव कर देते हैं यहाँ से इसके बाद अपन यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल्स तो आई एन टी लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो राइट हमारा क्या रहेगा राइट हमारा रहेगा जो कि हमारी एरे की लेंथ होगी वो हमारी राइट रहेगी ठीक है और एक साथ में अपन पे यहाँ पे बना लेते हैं मीट को ठीक है ये तो हो गया अब इसके बाद अपन एक वाइल लूप लगाते हैं ठीक है वाइल लूप लग गया इसके अंदर अपन कर देंगे लेफ्ट इज लेस देन जब तक लेस होगा तब तक ये वर्क करेगा ठीक है अब इसके अंदर हमको चेक करना है क्या हमको पहले तो मीट फाइंड आउट करना पड़ेगा लेफ्ट प्लस राइट right, और इनका जो भी डिवीज होगा वो हमारा मीड होगा इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये आ गया हमारा ब्रैकेट में आ गया ब्रैकेट में ठीक है अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे कंडीशन लगा देंगे इफ जो मेरा एरे मीड है इसमें से अगर मैं वन माइनस करता हूँ और माइनस कर देता हूँ मिड को अगर ये लेस देन के से होता है तो इट मीन्स क्या मेरे पास जो आगे वाला पार्ट है मतलब जो लेफ्ट से लेकर मिड तक पार्ट है उसके अंदर तो मेरा कोई मिसिंग एलिमेंट है नहीं ठीक है तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा लेफ्ट को इंक्रीज कर दूंगा किस से मीट प्लस वन से ठीक है कर दिया अब इसके बाद हम जाएंगे एल्स वाली साइड पे। एल्स एल्स में हम कर देंगे राइट इक्वल टू राइट इक्वल टू मीट ठीक है ये हो गया हमारा मीड और यहां से आखिरी में अपन रिटर्न करवा देंगे लेफ्ट प्लस के को ठीक है ये हो गया कर देते हैं इसको रन तो यहां पे हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन होगा कर देते हैं सबमिट तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है तो चलिए अपन बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो हमने इस कोड के अंदर भी कहीं भी कोई एडिशनल स्पेस का तो यूज़ किया नहीं हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए तो इट मीन्स जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी वो भी हमारी इस कोड के लिए भी होगी ओ oh ठीक है अगर हम बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो हम यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का यूज़ कर रहे हैं मींस कि हमारा जो एरे होगा उस एरे को हम क्या कर रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड करते फर्स्ट इतने पार्ट को अगर इसमें आंसर है तो इसको चेक करेंगे अदरवाइज अगर इधर आंसर नहीं है अगर हमारा आंसर इधर होता तो फिर हम इसको अलग डिवाइड करते फिर अलग छोटे पार्ट में तोड़ते ऐसे करके हमने चेक किया तो मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी वो होगी इसकी लॉग एन करके ठीक है लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ये था हमारा आज का कोड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ तब तक के लिए बाय